दिवाली की सफाई चल रही थी। एक अमीर घर की महिला ने अपने किचन से सारे पुराने बर्तन निकाले, पुराने डिब्बे धोए, कटोरी प्याले और थालियां वगैरह सब कुछ काफी पुराना हो चुका था। फिर सभी पुराने बर्तन उसने कोने में रख दिए और नए बर्तन लाकर एक लाइन में सजा दिए। बड़ा ही लाजवाब लग रहा था किचन। फिर वो सोचने लगी कि अब ये पुराना सामान भंगार वाले को दे दिया तो समझो काम हो गया। इतने में उस महिला की काम वाली आ गई। दुपट्टा खोसकर वो फर्श साफ करने ही वाली थी कि उसकी नजर कोने में रखे हुए पुराने बर्तनों पर गई और बोली, बाप रे मैडम, आज इतने सारे बर्तन घिसने होंगे क्या? महिला बोली, अरे नहीं नहीं, ये सब तो भंगार वाले को देना है। काम वाली ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में एक आशा की चमक उठी और फिर बोली, मैडम अगर आपको एतराज ना हो तो ये एक पतीला मैं ले लूं, घर में पड़ा हुआ पतीला खराब और टूटा फूटा है। महिला बोली, अरे एक क्यों, जितने लेने हैं ले ले, उस कोने में सारा सामान रखा है और तू सब कुछ ले जाना चाहे तो ले जा, भीड़ कम होगी। काम वाली की आंखें फैल गई, बोली, क्या सब कुछ? उसे तो जैसे अली बाबा की गुफा मिल गई थी। फिर उसने अपना काम फटाफट खत्म किया और सभी पुराने बर्तन एक थैले में लेकर भर दिए और बड़े ही उत्साह के साथ अपने घर की ओर निकल ली। आज तो उसके किचन में चार चांद लगने वाले थे। घर आते ही उसने पानी भी नहीं पिया और सबसे पहले अपने उस टूटे फूटे पुराने पतीले के साथ सारे टेढ़े मेढ़े चमचे सब कुछ एक कोने में जमा किए और अभी लाया हुआ नया खजाना ठीक से जमा दिया। आज उसके एक कमरे वाले किचन का कोना लग्जरी दिख रहा था। तभी उसकी नजर अपने पुराने बर्तन पर पड़ी और फिर खुद से ही बोली, अब ये टूटा फूटा सामान भंगार वाले को दे दिया तो समझो हो गया काम। तभी दरवाजे पर एक भिखारी पानी मांगता हुआ हाथ जोड़े खड़ा था। काम वाले ने उसे पानी उस टूटे पतीले में भर कर दिया। भिखारी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और जैसे ही वो टूटा हुआ पतीला वापस करने वाला था तो काम वाली ने कहा, इसे फेंक दो कहीं भी। वो भिखारी बोला, तुम्हें नहीं चाहिए, मैं रख लूं मेरे पास? काम वाली बोली, रख लो और ये जो बाकी बचे हुए बर्तन है ये भी ले जाओ। वो सारे बर्तन उसने भिखारी की झोली में डाल दिए। वो भिखारी बहुत खुश हो गया। जो कभी जमीन में अखबार रख के मैले हाथों से खाना खाता था, उसके पास आज टेढ़ा मेढ़ा चम्मच और एक मुड़ा हुआ पतीला था। आज उसकी फटी हुई झोली भी लग्जरी दिख रही थी। लग्जरी क्या है, सुख किसमें है, ये किसी भी परिस्थिति पर निर्भर होता है। हमें हमेशा अपने से कम लोगों को देखकर खुश होना चाहिए कि हमारी स्थिति उन सबसे तो अच्छी है, जबकि हम लोग हमेशा अपने से बढ़िया लोगों को देखकर दुखी ही होते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। वैसे अजीब है ये जिंदगानी भी। कोई सोच रहा है कि धनतेरस पर कितना सोना खरीदना है और कोई सोच रहा है सर्दी आ गई अब कहाँ सोना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें और वीडियो से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।